हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सबको हमारी यूट्यूब चैनल रंजन शेख पर। आज हम बात करेंगे लाफिंग क्रेन का जो लीवर फंक्शन होती है, जो कंट्रोल होती है, वो कंट्रोल के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लीवर फंक्शन में जो कंट्रोल बोर्ड होती है उसमें क्या क्या फंक्शन है, उसमें क्या क्या बटन दिया हुआ है, कौन सा बटन का क्या नाम है, क्या काम है, वो सारे चीज़ के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। जिसका मॉडल नंबर है MCR160 जो आप देख पा रहे हो, और ये जो है प्रोटॉन का है और ये 10 टन कैपेसिटी का है। तो आप देख पा रहे हो MCR160 यानी 160 इसका मॉडल है और ये प्रोटॉन का लाफिंग क्रेन है और इसका कैपेसिटी है जो 10 टन का है। उसी की लीवर फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे। तो जब आप स्विंग का जो ब्रेक होती है, जैसे कि आपको अभी पार्किंग करके जाना है और आपको मैनुअली ब्रेक जो है आपको रिलीज करके रखना है, तो उसमें मैनुअली आपको ब्रेक रिलीज करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जो है बंद करने के बाद आप ये बटन को दबाओगे, पीला वाला बटन को, तो ऑटोमेटिकली जो है स्विंग का ब्रेक जो है रिलीज हो जाएगा। अब बाजू में जो आप देख रहे हो ये एक्चुअली हीटर के लिए है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसको अगर इधर घुमाएंगे तो जो हीटर है वो हॉट में रहेगा और जीरो में रहेगा तो वो ऑफ रहेगा। इधर रहेगा फैन में तो सिर्फ फैन चलेगा और आपका केबिन जो है हीट नहीं होगा, हीटर ऑन नहीं होगा, सिर्फ हीटर का जो फैन है वही फैन आपका घूमेगा। और बाजू में जब देख रहे हैं रेगुलेटर है जो आपका जो हीटर है, तो हीटर का जो स्पीड को बढ़ाने के लिए, ज़्यादा हॉट करने के लिए या तो कम करने के लिए ये रेगुलेटर है। जो आप देख पा रहे हो तो हीट को कम ज़्यादा करने के लिए रेगुलेटर है। और ये जो आप बटन देख रहे हो, जो इंडिकेटर देख रहे हो, ये एक्चुअली जो इंडिकेटर है, जैसे कि आपका जो पार्किंग होती है क्रेन का, जब आप पार्किंग करोगे 65 से लेके 71 डिग्री तक जो इसका पार्किंग होती है, उस पार्किंग की टाइम में ये लाइट शो करेगा कि आपका जो क्रेन है वो प्रॉपर पार्किंग में है। सामने वाला जो आप देख रहे हो ये जो आपको पता है ये एक्चुअली जो है ये बाइफर का है, जो ऊपर एक बाइफर है मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक्चुअली ये बाइफर का है। अगर इसको आप दबाओगे तो जो बाइफर में जो पानी जाते हैं ना, वो पानी को मतलब देने के लिए ये पानी का जो है बटन है, जो ताकि पानी जो है वाइफर में जाएगा। और ये जो आप देख रहे हो इसमें पानी जाएगा और ये जो बटन है इसमें जो है वाइफर ऑन हो जाएगा, वाइफर चलते रहेगा। और स्टार्ट बटन है, ये इमरजेंसी आपको सबको तो पता ही है। और सामने आप देख रहे हो जो कि लेवर फंक्शन है, जो कि ये डाउन टाइट का है और इसमें है 4 गियर आगे है, 4 गियर पीछे है, यानी मतलब 4 गियर जो है डाउन का, 4 गियर जो है टाइट का होती है। दूसरा में जो आप देख पा रहे हो इसमें जो ये दोनों ये फॉल्ट है, इसमें कुछ नहीं है। ये भी जो है ये सामने का जो अपना ग्लास होती है, ग्लास का वाइफर ऑन होगा और इसमें जो है ग्लास वाइफर में जो है पानी जाएगा। ये जो आप देख रहे हो इसमें 90% जब लोड ओवर हो जाएगा तब ये जो है इंडिकेटर शो करेगा कि लोड 90% ओवर हो चुका है, और जब पूरा 100% लोड ओवर हो जाएगा तब ये 100% जो है दिख रहे 100% तो रेड लाइट ब्लिंक करेगा, ताकि मालूम पड़ेगा कि लोड जो है वो 100% ओवर लोड है। और इसके सामने देख रहे हो ये स्विंग का है, जब आप स्विंग का जो लिमिट लगते हैं, तो जैसे कि आप 15 मीटर या 10 मीटर पहले आपका स्विंग का लिमिट लग जाएगा, तो उस टाइम जो है 10 मीटर पहले से ये चलना स्टार्ट हो जाएगा कि आपका जो है अभी स्विंग का जो है लिमिट लगने वाला है, ये शो हो जाएगा। और ये जो है ये स्विंग का ब्रेक लगाने के लिए है, जब आप स्विंग करके क्रेन को रोकाओगे उसके बाद जो है स्विंग को स्टॉप करने के लिए, उधर स्टॉप मतलब रखने के लिए ये स्विंग का जो है ब्रेक है, इसको दबाओगे तो ब्रेक लग जाएगा। और ये जो आप देख रहे हो ये एक्चुअली बूम डाउन का और बूम अप का लेवर है, और इधर जो है लेफ्ट राइट का अपना लेवर है, यानी जो बूम डाउन टाइट जो है वो भी मतलब 4 नंबर है और जो मतलब अपना स्विंग का है वो भी 4 नंबर है। तो यही है जो लाफिंग क्रेन का, और कुछ लेवर फंक्शन में और कुछ देखने के लिए नहीं है, बस इतना ही है।